तो दोस्तों आज मैं करूँगा यहाँ पे रिव्यू डुअल सेंस कंट्रोलर का। आपको पता है कि ये कंट्रोलर कितना बढ़िया है। इसमें जो हमको मिलते हैं फीचर्स, खासकर मैं इसके बारे में कई बार बोल चुका हूँ, जो इसके अडेप्टिव टेकर और साथ में जो इसका हैप्टिक फीडबैक है, कमाल है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे फेस करनी पड़ रही हैं इस कंट्रोलर के साथ, बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी इस कंट्रोलर की वो क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। अडेप्टिव टेकर जो ये वाली हैं, प्रेस बहुत टाइट होते हैं, जो काफ़ी हैवी लगते हैं प्रेस करते पे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे खोल रखा है रिमोट का, जो इसका टेस्टिंग है, डेमो आता है ये वाला। तो ये तो बात अलग है, अब हम बात करते हैं मेन चीज़ बारे में। यहाँ पे हमको मिलता है एक 3.mm जैक, जिससे हम अपने ईयरफोन को यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे ये हमारी है सी टाइप केबल, जिससे हम अपने कर सकते हैं रिमोट कंट्रोलर को चार्ज अपने PS5 के USB पोर्ट में लगा के। अब जो यहाँ की सबसे बुरी बात लगी मुझे इस कंट्रोलर की, वो है ये चीज़ आप खुद देख रही होगी। ये तो भैया ये क्या है, ये धूल है, ये डस्ट है। मतलब जो हमारा PS5 का रिमोट है, कंट्रोलर है, जो इसका कलर है वो वाइट है। तो यहाँ पे जब भी हम अपने में रखता हूँ कंट्रोलर को ऐसे, क्योंकि हमको पता है हमारे आसपास डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे अगर हमारा कंट्रोलर ऐसा रखा रहेगा ना, तो यहाँ पे डस्ट आ जाता है और ये डस्ट इसमें चिपक जाता है, फिर ये छुट्टा नहीं है। जो इसकी सबसे बुरी बात मुझे यही लगी कि यहाँ पे डस्ट आ जाता है। वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे इस कंट्रोलर की, तो यहाँ पे इस कंट्रोलर का हमको मिलता है ब्लैक कलर का, लेकिन जो उसका स्टॉक है वो आता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं मिलता। बहुत ही कुछ यूनिट आती हैं जो कि कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाती हैं। ओवरऑल जो कंट्रोलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, हमको गेमिंग करते पे एक बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन वहीं पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हमको इग्नोर करना पड़ता है, जो है ये डस्ट। जो यहाँ कंट्रोलर था PS4 का डुअल शॉक 4, वो तो ब्लैक ही आता था, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं था। लेकिन वहीं पे यहाँ पे ये इशू आ रहा है, देखने में तो नहीं लगता ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा है। वहीं पे ये बटन मिलता है हमको यहाँ पे, ये हमारे माइक का है। यहाँ पे माइक अगर हमको करना है ऑन तो ये ऑन है, अगर हमको यहाँ करना है अपना माइक ऑफ तो ये बटन प्रेस करिए, आपका माइक ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, ये लाइट जल रही है, इसका मतलब ये हमारा माइक ऑफ है, और दबाते ही मतलब साफ है कि हमारा माइक ऑन है। तो यहाँ पे ये हमको मिलता है हमारा PS बटन, जिससे जो हमारा मेन्यू है वो खुल जाता है हमारे PS5 का स्क्रीन पे। ये बटन से आपको बताइए बटन्स क्या है, ये हमारे मिलता है ऑप्शन जो हम यूज़ करते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, या हमको हमारे गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए। ये है बटन ऑप्शंस का, यहाँ पे ये लाइट दे रखी हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं इसको देना चाहूँगा 9 out of 10। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नंबर इसलिए काटा है क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत ही लगी बेकार, ये डस्ट आ रहा है यहाँ पे। इसके लिए हमको पता है बहुत सारे स्टिकर आते हैं, इसके बहुत सारे केस आते हैं, लेकिन भैया वो लगा के वो फील मज़ा नहीं आता जो चीज़ आती है बिल्कुल जो इसका ओरिजिनल बॉडी है। लेकिन जो भी है, मैंने बता दिया कि कंट्रोलर फिर भी अच्छा है, आपको बस यहाँ पे उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय।